उसका नाम मतलब हमसे केजरीवाल का ये दुकान मोहब्बत वाला नहीं, हमें मोदी चाहिए भाई। परचून की दुकान तो खुलती है, मोहब्बत की तो हमने भी नहीं देखी दुकान खुलती। बढ़िया लग रहा मोदी को, किसान है पैसा मिल रहे हैं खेतन के। मोदी जैसा प्रधानमंत्री तो होना ये सौभाग्य था देश का जो मोदी प्रधानमंत्री बन गया। मोदी से लगा हुआ उन्होंने काम किए, उन्होंने वो काम किया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। पेंशन मिल रही है, मिल रही है और बढ़ा दी, आगे भी मोदी को देंगे। सवाल यही है कि अब 2024 में कौन बनेगा, क्या मोदी जी तीसरी बार आएंगे या फिर कोई बदलाव होगा, इसी को जानने के लिए हम सीधे गांव में आ गए हैं। शहर की रिपोर्टिंग मैंने आपको दिखाई, गांव के अलग अलग जगहों पर दिखाई, अब मैं आ गया हूं हरियाणा में। ये हरियाणा राज्य है, पलवल जिला के अंतर्गत ये गांव आता है। कौन सा गांव है ये? गढ़ी गांव है जी। गढ़ी गांव, गढ़ी कम पलवल जिला में आता है। पलवल जिला में, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए आप जी। 2024 में चुनाव है जी, तो गढ़ी गांव की जनता, हरियाणा की जनता किसको चुन रही है 2024 में? मोदी को। मोदी, मोदी, मोदी को क्यों चुन रही है? मोदी ने सराहनीय काम किए हैं, जैसे पीएम सम्मान निधि और जनधन योजना। हाँ, जनधन योजना, पीएम सम्मान निधि, मोदी जैसा प्रधानमंत्री तो होना ये सौभाग्य था देश का जो मोदी प्रधानमंत्री बन गया। कैसे सौभाग्य रहा? कांग्रेस ने टिकट डुबा दिया था। अच्छा अच्छा, भाग्य था देश के जो मोदी प्रधानमंत्री। घर का मुखिया जब ईमानदार होगा वो घर चल जाएगा, जब मुखिया भ्रष्ट होगा वो घर नहीं चलेगा, सीधी सी बात। ईमानदार आदमी है और ईमानदारों को वो सहयोग करता है, अपने जितने मंत्रिमंडल में ईमानदार है उसको आज तक कोई छवि नहीं है बीजेपी। इस सरकार 60 साल देश राज किया है, भ्रष्टाचार की सेवा बताओ क्या किया है? 60 साल राज किया है, एक भी बच्चा बगैर MLA के चपरासी तक नहीं लग सकता था। वोट आप लोगों ने दिया ना, वोट आप लोग देकर ही तो कांग्रेस को देते रहे सरकार, तो कोई ना कोई बंद नहीं है, पर काम नहीं किया। अभी तो मोदी मोदी हो रही है आज, अभी तो मोदी का इतना सराहनीय काम किया मोदी ने, अभी तो मोदी मोदी पूरे देश में मोदी छा रहा है। सब कुछ अच्छा ही काम किया उन्होंने, सड़क से, बिजली से, पानी से, सब कुछ काम बढ़िया ही करे मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने। कितना उम्र हो रहा चाचा आपका? मेरी 73 साल की उम्र है। 73 साल जी, 73 साल उम्र हो गए। कांग्रेस का सरकार भी आपने देखा, बीजेपी का, कोई अंतर लगा कि कांग्रेस वाले में क्या हालात था, मोदी जी के राज में क्या हाल है? मोदी जी के राज में मोदी जी ने जो जो काम किए हैं देश के अंदर, सरकार का नाम किया, देश का नाम किया, अपना ही नाम के देश का भी काम नाम किया है, अपना भी किया है सबको। ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हमने कोई नहीं सुना 70 साल 73 साल के। बहुत सारी हुई, इंदिरा गांधी, गांधी हो, सब उन्होंने अपनी मर्जी का काम किए हैं। मोदी जी, मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो जो संत आदमी है उन्हें अपना तो कुछ है ही नहीं उनके पास, या है या ना है, पर काम जनता के किए उन्होंने। अरे ताऊ कहते हैं कि रसोई में देखो भैया, खाने को लाले पड़े हैं, टमाटर का भाव देखो कहाँ जा रहा है, प्याज का भाव देखो कहाँ जा रहा है, स्थिति कंट्रोल में नहीं है। ये तो ऊपर वाले भी कुछ मेहरबानी होती है, उनका भी कुछ प्रकोप होता है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, उनका क्या खोट है इसमें? कोई खोट ना नहीं। इतना मोदी से काहे लगाव है आप? मोदी से लगाव, उन्होंने काम किए, उन्होंने वो काम किया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। क्या की कर दियो ऐसा? वो भी सब कुछ काम देश के लिए किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मोदी सब बराबर करना चाह रहा है, सब बराबर करना चाह रहा है मोदी। हाँ जी। अच्छा, मोदी राज में कुछ योजना का लाभ मिला, कोई मिला हो नया योजना? मिला है। क्या क्या योजना का लाभ मिला? किसानों को पैसे मिलते हैं, फसल का नष्ट हो जाती है उसके भी पैसे मिल दे रही हो सरकार, और सब कुछ मिलता है। वैसे भी 2000 रुपये तीसरे महीना वैसे डाल देते हैं किस्त में, सम्मान निधि को, पीएम सम्मान निधि को पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। बिल्कुल। अच्छा चाचा, तो नहीं लग रहा है कि बहुत सारे नाम है, राहुल, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नाम सुन के हंस रहे हो चाचा आप तो? बहुत देख लिए जो 60 साल देखे, चोरों की टोली, चोर हो रहे, कटिया को बेच के खा जाते अब तक ये रहते तो। कौन? ये कांग्रेस सरकार। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप सही लगा रहे हैं। घोटाले पे घोटाले, जितना भी पैसा हिंदुस्तान का तुम विदेश बैंक भर के ला रही कांग्रेस सरकार ने। मोदी सरकार में कुछ ना हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ, बताओ आप बताओ। वो तो बोल रहे हैं उद्योगपतियों को कर रहे हैं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं। विपक्ष वाले तो बोलते रहते हैं, उनका क्या है? उनका काम है बोलना, विपक्ष वाले का काम है बोलना, विपक्ष का काम बोलना ही है। अच्छा, मोदी पर इतना क्यों विश्वास है आप लोग? मोदी ईमानदार आदमी, स्वच्छ छवि का आदमी, ईमानदार आदमी, मोदी पर यूं विश्वास है। उन्होंने काम देश के लिए करे, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। केजरीवाल कह रहे हैं अनपढ़, चौथी पास। हाँ, केजरीवाल मोदी को, अच्छा चौथी पास अंग्रेजी बोल ले वो। केजरीवाल सब रुपया चोर है, चोर है केजरीवाल तो।
चोर है केजरीवाल। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम सब खाका दिल्ली है, सब रही है। अरे दिल्ली उसका नाम ले रहा है हमसे, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास है। उसका नाम मतलब हमसे केजरीवाल का, वो तो भ्रष्ट आदमी है। क्यों नाराज है केजरीवाल? पकड़ा गया वो सारे रुपए को खा गया वो डिप्टी सीएम। अभी तो आरोप लगा है ना, सिद्ध नहीं हुआ अभी तो, है ना कस्टडी में है। यार खा गया आरोप क्या है, खा गया देश को। कौन देश को खा गया? केजरीवाल। केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं देंगे वोट। मोदी राज में क्या हुआ? मोदी राज ईमानदार स्वच्छ रहे, मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। हाँ जी, मोदी क्यों रहेगा, कारण क्या है जानना चाहिए? ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी। अरे कुछ हुआ, लाभ मिला आप लोग? हाँ, किसान लाभ मिल रहे हैं, फसल को लाभ मिल रहा हो, बीज खाद मिल रहा हो, खाद जब चाहे जब मिलता है, बीज जब चाहे जब मिलता है, पानी चाहे जब पानी मिलता है। तीसरे महीना 2000 रुपये मिलते हैं हमें, सारे सौदा मिलते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कुछ ना कोई फसल की कमी हो जाती है। अब टमाटर एक किला खाने वाला 1000 व्यक्ति, तो टमाटर तो महंगा होगा। बोल रहे नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है लोगों, जो नंबर लेगा वो लेगा, वो 20 लाख 10 लाख खत्म कर दिए। जो 10 पढ़े लिखे युवा जो है रोड पर घूम रहे हैं, 5 लाख 4 लाख है ना, 10 लाख ले जो, वो खत्म कर दिए उसने मोदी ने। डायरेक्ट नंबर लो और नौकरी लो। तो 2024 में कौन? मोदी, मोदी। मोदी क्यों जरूरी? मोदी की बार बार आप लोग मांग क्यों कर रहे हैं? लिखा है उसकी नसीब में। नसीब में? हाँ जी। वोट तो आप करेंगे ना? हाँ? वोट तो आप करेंगे। हिंदुस्तान ना? देगा सारा, हिंदुस्तान देगा सारा। बाकी जो ये भारत जोड़ो यात्रा हुआ, बोल रहे हैं कि मोहब्बत बांट रहे हैं राहुल जी, इनसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं है। राहुल गांधी से नहीं होगा कुछ? नहीं। कैसे कुछ नहीं? राहुल से कुछ नहीं होता। हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम ना, हर सब एक है भाई भाई, 36 बिरादरी एक है, एक है 36 बिरादरी, कोई मुसलमान को हिंदू को कोई झगड़ा नहीं है। 2024 में 15 अगस्त को लाल किले से मोदी झंडा नहीं फहराएंगे, ऐसा आरोप विपक्षों द्वारा लगाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? कहने का मैं कहने लगू मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं ना बन रहा प्रधानमंत्री। हाँ। मोदी ही बनेगा, मोदी ही बनेगा, मोदी ही बनेगा, बिल्कुल। तिरंगा झंडा लहरेगा फिर से? मैं मोदी फहराएगा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हां, खूब बड़े बूढ़े इनकी खूब सुविधा कर रहे हैं। सुविधा क्या क्या सुविधा मिला मोदी जी के कार्यकाल में? क्या क्या मिला? मौज मार रहे, मौज मार रहे हो क्या? और क्या कुछ सुविधा मिला? पेंशन मिला? हाँ, पेंशन मिल रही है, मिल रही है। हाँ मिल रही है। और बढ़ा दी, मिल रही है, ढाई सौ और बढ़वा दी, ढाई सौ है क्या? बढ़ा दिया। हाँ, 2500 और 250 और बैठ गए ऊपर। तो 24 में किसको वोट दोगे, मोदी को या फिर मोदी की देंगे? मोदी और का मोदी की देंगे। हाँ, मोदी को क्यों दोगे, है ना? पहले मोदी की दाई हमने कहा। बाकी को क्यों नहीं मौका देना चाह रहे हैं आप लोग? 10 साल तो मोदी जी को दे दिया, बाकी लोग को भी मौका? मोदी को ही देंगे, आगे भी मोदी को ही देंगे। क्यों भाई साहब? भाई वो बस कुछ काम बताइए जो हुआ हो, कुछ कर रहे हैं सरकार का, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे काम। अच्छा, महंगाई नहीं दिख रहा आपको? महंगाई क्या है, महंगाई तो, महंगाई तो जी कंट्रोल होगी नहीं, क्योंकि हमारी फैसिलिटी इतनी है, बस डीजल है पेट्रोल है कोई वही 90-70 रुपए लीटर है। हाँ। कई साल से वही है, कोई काम है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है? काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब लगेंगे इसमें, क्या जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भाई ये कहाँ से मिलेगी नौकरी? ठीक है, बाकी जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो क्या आपको माहौल लगता है वैसा कुछ? ऐसा कुछ माहौल नहीं, नहीं हिंदू मुस्लिम कोई माहौल नहीं। परचून की दुकान तो खुलती है, मोहब्बत की तो हमने भी नहीं देखी दुकान खुलती। आप लोगों को नहीं चाहिए दुकान मोहब्बत वाला? नहीं, हमें मोदी चाहिए भाई, मोहब्बत का दुकान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें चाहिए देश का विकास। हाँ। सिर्फ मोदी ही कर सकता है। तो जो राहुल जी बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, बार बार राहुल गांधी नफरत, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लूटा किसानों को, किसानों को बहुत तरक्की करी है, किसान अपने आप खा कमा रहे हैं, महंगाई तो आती जाती रहती है। किसान विरोधी है बीजेपी मोदी जी? नहीं नहीं, किसान विरोधी नहीं है मोदी जी, नहीं है। बहुत बढ़िया, जनता खुश है, जनता खुश है, बढ़िया लग रहा मोदी को, किसान है पैसा मिल रहे हैं खेतन के।